नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो है जेल की सलाखों के पीछे है, दूसरी तरफ दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब आतिशी मार लेना का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। और इसी बीच अब राघव चड्ढा को लेकर भी एक खबर जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर फैलती नजर आ रही है। दरअसल इस खबर के अनुसार, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि राघव चड्ढा जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाए हुए है, शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल के साथ न नजर आ रहे हैं, न बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके समर्थन में बाहर जो है विदेश की अपनी यात्रा खत्म करके भारत तक आने को तैयार नहीं है, वही राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लोग इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राघव चड्ढा जो है वो जो है स्कैम जो है शराब घोटाले मामले में अब अप्रूवर बनेंगे और साथ ही साथ जो है वो बीजेपी भी जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच अब आपको बता दे कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जो है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हेमंत सोरेन भी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके जुड़ा हुआ अभी एक घोटाले का मामला था जिसमें 10 समन पर भी वो हाजिर नहीं हुए थे और आखिरकार ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े 9 समन जारी किए गए और जब केजरीवाल शामिल नहीं हुए तो उन्हें भी गिरफ्तार जो है कर दिया गया। और अब अगर आप देखेंगे कि दोनों गिरफ्तार मुख्यमंत्री की पत्नियां आपस में जो है मुलाकात करती नजर आई, इस मुलाकात की तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे को गले लगाती नजर आई, जिसके बाद इस पर चुटकियां ले रही हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि दोनों ने अपने पति की राजनीतिक विरासत मिलने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं लग रहा है, दोनों जो सुपर भ्रष्ट जो है पॉलिटिशियंस है उनकी पत्नियां कुछ इस तरह मिल रही है, वो पब्लिक के पैसे पर इंजॉय कर रही है, मौज काट रही है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी लिख रही हैं कि पार्टी ने इन्हें अलग कर रखा है और भ्रष्टाचार ने दोनों को साथ जोड़ रखा है। कुछ इसी तरीके से लगातार जो है कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि दोनों हंस के एक दूसरे से मिल रही है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि अरे भाभी हो, अपने पति आपके पति जेल में है, थोड़ी तो रोने की एक्टिंग ही कर लेते। अब इस पर रिएक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि हमने आपको कहा कि आम आदमी पार्टी के भी रिएक्शन है और मुलाकात के बाद जो है हेमंत सोरेन की पत्नी जो है उनका भी इस मामले पर रिएक्शन है। एक एक करके जानेंगे सबके रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल्पना सोरेन की, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात की, उसके बाद क्या कुछ कह रही हैं कल्पना सोरेन जी भी, जरा सुनिए। जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है, जिनमें मैम का भी साथ हमारे साथ रहेगा और हमारा पूरा झारखंड भी अरविंद केजरीवाल जी सर के साथ भी हमेशा रहेगा। सोनिया गांधी से मिलने जाएंगी आप? हाँ जी, अभी तो टाइम मिला है तो मैम से जरूर मिलेंगे और उनको भी वहाँ के झारखंड की पूरी स्थिति के बारे में। मुलाकात होगी मैम कब, किसकी मुलाकात? मैम की मैम के साथ आज ही है। देखिए अभी टाइम तो मुझे नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, बट अब आप कल आप सभी लोग जरूर आइए। इंडिया गठबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में, तो आप सभी का स्वागत है। देखिए उसकी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और आप सभी को बहुत बहुत जोहार है। जैसा कि आपने सुना कि कल्पना सोरेन जी कह रही हैं कि ये जो इंसिडेंट है वो झारखंड में 2 महीने पहले ही इस तरीके की घटना हो चुकी है और अब दिल्ली में भी इसी तरीके की घटना देखने के लिए मिल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया गया, जैसे कि मेरे पति हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था। और मैं सुनीता केजरीवाल जी से जरूर जो है मुलाकात करूंगी और हम ये डिसाइड करेंगे कि हम इसके खिलाफ जो है लड़ाई कर सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से भी जो है मुलाकात करूंगी और उनसे भी झारखंड में जिस तरीके के
हालात है उसे लेकर चर्चा करूंगी, और साथ ही साथ में इंडी गठबंधन की राम मैदान जो है रामलीला मैदान में जो कल रैली होने वाली है उसमें भी मैं उनके साथ नजर आऊंगी, ये बात जो है कल्पना सोरेन द्वारा कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज जो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के मुलाकात को लेकर भी काफी कुछ जो है वो कहते नजर आई है। क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी भी, जरा नजर आ लिए। देखिए हेमंत सोरेन जी अपोजिशन के एक बड़े नेता थे और गैर भारतीय जनता पार्टी राज्यों में एक अच्छी सरकार चला रहे थे, प्रसिद्ध नेता थे। उनको जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जेल में डाला वो सब लोगों ने देखा, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक दूसरी राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, तो कल्पना जी आज सुनीता केजरीवाल जी से मिलने आई थी और लगभग दोनों की स्थिति ऐसी ही है कि केंद्र सरकार ने इन दोनों के जो हस्बैंड्स थे उनको जेल में डाला है, और दोनों ने अपनी स्थिति एक दूसरे के साथ बातचीत की, एक दूसरे को हौसला दिया और बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। देखिए मुझे इतना मालूम है कि कल्पना जी को और झारखंड के सीएम चंपई सोरेन जी को और कल्पना सोरेन जी को दोनों ने को हमने आमंत्रित किया है। कल्पना जी आ गए हैं और चंपई सोरेन जी भी शाम तक आएंगे, दोनों ही जो है मीटिंग में रहेंगे। सुनीता जी का मेरे को अभी तो जैसा कि आपने सुना वो कह रही है कि हेमंत सोरेन जो है विपक्ष की पार्टी के एक बहुत बड़ा एक चेहरा थे वो, और वो भी नॉन बीजेपी सरकार से थे, और अब सारी जो चीजें हैं वो देख रही है किस तरीके से केंद्र सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया। यही कारण है कि कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है वो सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी है उनसे आज मुलाकात करने आई। उन्होंने कहा कि हमने कल्पना सोरेन को और चंपाई सोरेन जी को इंडी ब्लॉक की जो रैली होने वाली है जो कि कल यानी 31 मार्च को होने वाली है उसमें आने के लिए शामिल होने के लिए हमने न्योता भेजा था, और दोनों ही जो है हमारी इस मीटिंग को इस रैली को जो है अटेंड करने आएंगे। मेरे पास कोई भी ऐसा जो है उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि क्या सुनीता केजरीवाल भी इस रैली का हिस्सा बनेंगी, तो इस पर सौरभ भारद्वाज कहते नजर आए कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि सुनीता केजरीवाल इस रैली का हिस्सा होगी या नहीं होगी, बस मुझे इस बात की जानकारी है कि हमने दो नेताओं को बुलाया था सोरेन परिवार से, और ऐसे में दो लोग जो है चंपई सोरेन जो इस वक्त सिटिंग मुख्यमंत्री है झारखंड के और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो है यहां पर मुलाकात करती हुई नजर आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल्पना सोरेन और एक तरफ अगर आप देखेंगे तो इनकी मुलाकात चल रही है, दूसरी तरफ राघव चड्ढा को लेकर यह बड़ा झटका हो सकता है अगर ये बात सही हुई, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है और सूत्र के हवाले से खबर काफी बार जो है सही भी हो जाते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार के हालात में आपने देखा कि नीतीश कुमार नहीं चेंज करेंगे, पार्टी नहीं बदलेंगे, पाला नहीं बदलेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से लगातार यह खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं और जल्द पाला बदलेंगे, और आखिर में ऐसा ही हुआ। अब राघव चड्ढा को लेकर भी यह खबर है कि राघव चड्ढा अपना पाला बदल सकते हैं, दिल्ली शराब घोटाले मामले में गवाही भी उनके द्वारा जो है देखने के लिए मिल सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राघव चड्ढा जो इस पूरे मामले से दूरी लगातार बनाए हुए है, न टिप्पणी कर रही है, ना भारत वापस आ रही है, तो ऐसे में अब जिस तरीके से उन्हें लेकर यह अफवाह चल रही है या ये कहिए कि उन्हें लेकर यह जो खबर चल रही है कि जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इस पर भी वो चुप्पी साधे रहते हैं या इस मामले को लेकर भी स्पष्टता से सामने आते हैं और इसे लेकर अपनी बात जो है सामने रखते हैं, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेट है। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।